नेपाल रजक सेवा समाजको भेला सबैला नगरपालिकाको मिश्री मिसर पट्टीमा आज सम्पन्न भएको छ। भेलाले एकताको आवश्यकता रहेकोमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो जातीय समाजमा देखिएको दहेज, बाल विवाह, महिला हिंसा जस्ता कार्यहरू हटाउनको लागि जोड दिएका थिए। वाडा नम्बर 10 का वाडा अध्यक्ष परमेश्वर शाहको प्रमुख आतिथ्यमा भएको सो कार्यक्रममा विभिन्न जातीय अगुवाहरू ले समाजमा देखिएको विकृतिहरूको विषयमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए। हम सुन कतार में रहिए तो वही जगह एगो ग्रैंड महल एगो बने को चौक है एगो कोनो शहर है वही शहर में हम सुन गेल रहिए एगो प्रोग्राम देखे ला जेमे कि खेसारी लाल यादव जी आयल रहे वही ला हम सुन गेलिए देखे ला तो एगो एनहर के आदमी रहे मतलब कुछ वही लगे जगह के नाम याद नहीं छे सर तो वही के लेल क्षमा चाहे छी और अपने धोबी समाज के रहे और रजक समाज के रहे तो उनका की कल के तो बहन के दहेज के खातिर में ओकरा घटना कर दिल की तो वो बाहर विदेश में काना लगले हमरा सुनला तो हम सुन कल कथी है एहन एहन के सीजन बोलू हमरा बहन के दहेज के कारण से ओकर बाबूजी डेट कर गेले दहेज नहीं दिए सकल के आर्थिक कमजोर रहे नहीं पुगवा सकल के वही के खातिर में पैसा नहीं पुगले वही के खातिर में ओकरा बहन के वो लड़का वाला की कल के जे नुकसान कर दिल के मार दिल की एगो मीटिंग रखलिए मीटिंग में ग्रैंड महल में एगो मीटिंग रखलिए 4-5-7 आदमी मिलकर वही 7 आदमी में हम सुन अगारी मिलब जुलब सबके की एना कर एना कर कल खुमा आई ढंग से आई हमरा बहन के ओकरा बहन के मारल के कल हमरा बहन के मारते परसू ओकरा बहन के मारते एना के मतलब जे गरीबी नहीं हटता और दहेज प्रताप नहीं हटता वही टाइम में वो की कल जेते मरते या बचते तै के लागि हम सुन बाल विवाह बंद करे के लेल तैयारी योजना करे छिए। कुमार रजक घर सिरहा ई रजक सेवा समाज के कार्यकर्ता ई रजक सेवा समाज हमर दाजू सब विदेश में है जे टाइम में एगो घटना भेले घटना के बारे में एगो साथी कहबे के लग अभी अ प्रकार के समस्या आवे है एहन एहन समस्या है ऐसे हमर अहाँ के ई दलित परिवार ई धोबी परिवार रजक समाज पछाड़ी पड़ल है एकरा अगारी बढ़ेबे केना के से सोच बनौलकै ओहि लमसँ अ रजक सेवा समाज के उत्थान केलकै अखुन ऊ रजक सेवा समाज में 7-8-10-12 लगभग कहबे तो विश्व भर में जतेक हमर धोबी जाति के साथी सब दाजू सब रह रहल है सब ए रजक सेवा समाज से अभी जुड़ल है। रामविलास साफीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा रूपनारायण साफी, महेश कुमार रजक, घुरन साफी, विजय साफी, नरेन्द्र कुमार रजक, विश्वेश्वर साफी, राजकुमार पण्डित लगायतका वक्ताहरूले बोल्नु भएको थियो। मधेस आन्दोलनमा बलिदानी दिएका शहीदहरूको सम्झनामा मनाइने बलिदानी दिवस प्रदेश सरकारले यस वर्ष वीरगन्जमा